नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय वैष्णव और मेरे साथ ये पाजी खड़े हैं। आपका नाम क्या पाजी? गुरप्रीत जी। गुरप्रीत सिंह जी, आप कहाँ से हैं? पंजाब से। पंजाब, पंजाब में कहाँ से हैं? पंजाब पटियाला नवा। अच्छा, पटियाला से हैं और यहाँ पर मुझे मिले हैं बनखेड़ी के पास। थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे क्योंकि आपके यहाँ पर बैच मैंने देखा था। ये कौन से संगठन का है जी? उग्रहा। उग्रहा, मैं चाहूंगा कैमरामैन थोड़ा सा नजदीक आए। उग्रहा संगठन से है क्योंकि ये किसान आंदोलन जो दिल्ली में कर रहे हैं उसी से आप ताल्लुक रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्यों वहाँ पर ये आंदोलन हो रहे हैं और आखिर आपकी समस्या क्या है? समस्या जी है, तीन जो कानून है जी काले वो रद्द करे। अच्छा, क्या उन तीन कानूनों में क्या आपत्ति है? मेरी सुनो, आपत्ति नहीं है तो मोदी को कहा लैब चला दो। अच्छा, लैब चला दें? लैब चला दो, जो किसान बोलेंगे वो बातों का जवाब दे दो। अच्छा अच्छा, पूरी दुनिया को सुनने दो। जे सही कहेंगे सभी लोग तो रख लेना, नहीं तो रद्द कर दो। अच्छा, उनको क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, यहाँ पर चूंकि हम मध्य प्रदेश के हैं, यहाँ पर तो ज्यादा ऐसा कोई विरोध हो नहीं रहा है। चूंकि आपके यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है तो कई लोग जो है हमारे लोकल लोग हैं वो ये जानते हैं कि भाई किसी जो दूसरे लोग हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए एक साल से वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आखिर क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई वहाँ भैया जाके देखो। अच्छा, यूपी में देखो कितना बड़ा कट हुआ था, ठीक है, लोग कितने गए थे। ठीक है, जे इन पे कोई दिक्कत है किसानों को तो लैब चला के बात करें। अच्छा, पूरी दुनिया को पता लग जाएगा। अच्छा, देखिए आप एक किसान हैं। हाँ, एक किसान, छोटे से किसान की दृष्टि से मैं आपसे पूछूंगा कि एक जो छोटा किसान है 5-10 एकड़ का, इन तीन कानून बनने के बाद उसे क्या खतरा होगा? उसको खतरा है कंपनियां बना लेंगी करने इकट्ठी करके जमीन ठेके पे, जो हम कहते हैं। अच्छा, कोली पे आप कहते हो वो लेंगे। ठीक है, तो फार्मिंग वो हो जाएगी जब। अच्छा, उनके पास अंडर चली जाएगी, हम तो मजदूर बन जाएंगे। अच्छा, मजदूर बन जाएंगे। आप बिहार में देख सकते हो वो मजदूरी करने आते हैं कि ना। अच्छा, वो मजदूरी करने आते हैं, उनके 800 को खरीदते हैं, हमारे पंजाब में लाके हरियाणा में बेचते हैं। नहीं, वहाँ पे देखिए जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्र कम है जहाँ तक मेरी जानकारी है। पंजाब पहले से ही डेवलप्ड है, आपके यहाँ पर डैम है, सिंचाई वगैरह ठीक है, तो आपके यहाँ पर खेती अच्छी होती है, तो इसीलिए जो मतलब पंजाब के जो किसान है वो सक्षम है। और बिहार की समस्या ये है क्योंकि जमीन कम है इसलिए वहाँ पर गरीबी ज्यादा। नहीं 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 नहीं, फिर वहाँ पे इसलिए किया है कि मंडी तोड़ी है, अभी वहाँ के गरीब हैं, कम लोग हैं, पैसे वाले हैं, इसलिए तोड़ी है वो 800-900 रुपया। बिहार के लोग अब वो भी बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डरों पे आके मंडी बोल रहे हैं, सब मंडी रखो, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिबेट करें किसानों के साथ बैठ के, एक बार लैब चला दे, दुनिया देख लेगी, जो दुनिया सही बोलेगी तो वो कर ले, बात खत्म। देखिए आपके सरकार ने कानून बना दिए हैं, कोई हलवा थोड़ी है जो बना के खा लिया बाद में कर लिया। नहीं नहीं, कानून बन गए हैं तो कानून ऐसे तो हम मतलब एक जो कुछ संगठन है उनके कहने पे तो रद्द नहीं होंगे ना। कुछ सरकार का जो कहना है कि भाई जब प्राइवेटाइजेशन होगा, जब कंपनी वाले खेत को पैसे देंगे और उनको कहेंगे कि भाई आप जो फसल हम आपसे कह रहे हैं वो आप लगाइए क्योंकि वो उसके दाम आपको अच्छे दिए जाएंगे, तो इसमें किसानों को क्या? नहीं नहीं नहीं, वो किसानों को नहीं देंगे। अच्छा, किसानों को उगाने नहीं देंगे, वो कंपनियां उगाएंगी फसल, तो हमसे मजदूरी करवाएंगे वो। ठीक है, तो आप अच्छी पैदावारी करेंगे तो आपको दाम भी अच्छा मिलेगा ना? नहीं, वो तो वो ले लेंगे हमसे लीज पे। ठीक है, लीज पे ले लेंगे, हम वहाँ क्या करेंगे? हमको तो जाना है मजदूरी करने, चले गए, नहीं जाओ भाई घर को अपने। तो आप फसल बेचेंगे उनके पास, आप बेचेंगे ना? देखिए जहाँ तक मेरा नहीं, जान, नहीं, मेरी सुनो भैया, इसलिए कह रहे हैं हमारे किसान टीवी पे चलाओ देखो, उसमें पता है क्या है, प्राइवेट कंपनी आएगी, जैसे हम छोटे किसान हैं सबकी जमीन लेगी, उस पे वो कुछ भी करें, हमको दिहाड़ी करनी है तो कर सकते हैं, नहीं अपने घर को जाओ। तो आपको जमीन देनी है तो आप दे सकते हैं ना, आपके लिए दूसरा मार्ग भी तो खुला है कि आपको जमीन हम देना ही नहीं चाहते। तो आप नहीं देंगे तो आप जो आपको उगाना है वो उगाएंगे, सरकार कह तो रही है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से उगाएंगे। एक के किसान के साथ नहीं चलेगा, पूरा पंजाब हरियाणा यूपी सब यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? भी हम नहीं करने, ये तीन कानून वापस होने चाहिए। तो कानून देखिए, नहीं मेरी जे मेरी बताओ भैया, जब कोरोना काल चल रहा है इतनी उनकी क्या जान निकल रही थी मोदी की, उस टाइम लेके आया। बात करें कोई भी देश की सरकार हो, सरकार का मकसद होता है कि वो किसान मजदूर का भला करे, तो कहीं ना कहीं हमें सरकार की बात माननी चाहिए कि नहीं। मोदी तो कह रहा था 15 लाख खाते भी मिल जाऊंगा, इतना झूठा कभी आया ही नहीं। नंबर दो पे कह रहा था 22 में दुगनी करूंगा आमदन, कहां दुगनी हुई है? 40 रुपए गेहूं पे दिए हैं,
किसान की बात करें तो किसान को तो हमें नहीं, वो दुगनी कह रहा था, किस बात पे उतरा जो ये बात बताओ हमको कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं जो आपके कांटेक्ट में नहीं नहीं उनको कहा हम लाखों रुपया 40-40 लाख रुपए आड़तियों से ले लेते हैं, कितने कितने पैसे खड़े पैर उठा लेते हैं उनके, वो ऊपर पूछेंगे तो पैसे देंगे, उनके पास इतनी कहाँ होगी। देखिए ये रही बात लेन देन की बात है तो ये लेन देन अपने व्यवहार पर डिपेंड करता है, जैसे आड़ती है आप सारे आड़ती है तो वो एक वो मैटर नहीं करता है, वो एक सिस्टम नहीं है, वो हमारे व्यवहार पर डिपेंड करता है। लेकिन सरकार कह रही है कि आड़ती है अभी नुकसानदायक है, नहीं नुकसानदायक, देखो मेरी सुनो, खा जाते हैं फसल उतारते हैं नीचे, पंखा लगवाते हैं, बोरी भरवाते हैं, हमको इतराज नहीं आड़ती का, उनको क्या इतराज है, हम पूरा का पूरा पैसा आड़तियों को देंगे, ये तो उनको क्या इतराज है, ये तो आप कह रहे हैं ना, जो पूरा किसान कह रहा है, मोदी उतरे पंजाब में, उतर के किसी को भेजे, वो जहाँ बैठे हैं, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, दिल्ली में बैठे हैं कुछ लोग, मैं मान लेता हूँ अपने बंदे को खुद जाए, कोई भी जाए वहां जाके पंजाब में सर्वे कर ले, घूम ले, जे एक बच्चा भी कह जाए तो हम उठ के चले जाएंगे। बाजी वीडियो अपन छोटा बना रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ तीन सवाल करूंगा। पहला ये बताइए कानून नहीं बने हैं तो उससे क्या फायदा है, दूसरा ये कि कानून बन जाएंगे तो उससे किसान को क्या घाटा होगा। देखो कानून बन जाएंगे भैया तो हम फसल हमारे को उसी को देनी पड़ेगी जी, वो अपनी मर्जी से ठेके पे उनको देनी पड़ेगी, उनके पास चली जाएगी अमानी डवानी के पास जमीन, उसके बाद धीरे धीरे बेचना खरीदना चालू कर देंगे धीरे, अब बाकी काम कर चुके पंजाब की जमीन पे उनकी है कि उनसे ले जाए। बाकी मोदी 3 कानून बनाए उसने बनाए कोरोना में, ठीक है, हमारे जथेबंदियां हैं, एमपी की भी हैं, पूरे देश की हैं, उनको बुलाते एक एक दो दो बंदों को बैठाते, उनको समझाते। अच्छा अभी जो कानून नहीं बने हैं तो उससे क्या फायदा है किसान को, कैसे, जैसे अभी कानून नहीं है, कानून अभी लागू नहीं हुए हैं तो अब किसान को अभी वर्तमान स्थिति में क्या फायदा हो रहा है। फायदा है हमको, हम अपनी फसल, अब जब कानून बन जाएंगे भैया तो वही बात कह रहा हूँ, अवानी अडवानी आ जाएंगे। बहरा उसे एक बात बताओ, प्राइवेट वालों को पता नहीं था ये कानून लग रहे हैं, हम किसानों को नहीं पता, उन्होंने वेयर हाउस कैसे बना लिए 4-4 साल पहले हमारे वहाँ। अच्छा पंजाब में वेयर हाउस बन चुके। अच्छा किसके, ये अवानी अडवानी के, अडवानी ने बंद भी कर दे, जो किसान बैठ गए थे घाटा। अच्छा। सब जगह अब बंद कर चुका उन्होंने, पहले क्यों कैसे बन गए। अच्छा ये सर, अच्छा ये बात बताइए पंजाब उत्तर प्रदेश हरियाणा साइड, अच्छा मतलब किसान लोग जैसे आप जो बता रहे हैं वो रोष में है और 3 कानून का विरोध कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश में हम खड़े हैं यहाँ पर ऐसा विरोध नजर नहीं आ रहा है। मैं भैया सुना है आप पत्रकार हो, आप जाओ जी, ये कहते हैं लोग जो हरियाणा पंजाब है वो ही कर लेंगे, अपने को क्या जरूरत है, जहाँ सोयाबीन धान तो होता नहीं, सोयाबीन होती है, सोयाबीन भी नहीं होती, मक्का पे कहाँ देते, की पे है, गेहूं रहता है, आपके क्या हालत होती है, पहले घर में उतारते हो फिर मंडी में लेके जाते हो, मैसेज आता है हमारी सीधी मंडी में उतरती है फसल। अच्छा सीधी मंडी में उतरी, बेच के हम आगे आड़ती का ये फायदा है, आप पंजाब में जाओ आपको पता चलेगा आड़ती का क्या फायदा है, आड़ती का जिस दिन आड़ती हट गया तुम्हारे जैसी हालत हमारी हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ पंजाब से गुरप्रीत जी जो वर्तमान समय में यहाँ पर गुजर रहे थे, क्योंकि हमने स्थिति जानने की कोशिश करी है। निश्चित तौर पर हम यहाँ पर हम सरकार से गुहार लगाएंगे कि कहीं ना कहीं देखिए अगर कोई भी मतदाता या कोई भी प्रजातंत्र में आपका जो नागरिक है वो आपको असंतुष्ट है तो सरकार का ये सबसे बड़ी जवाबदारी है कि वो उसे संतुष्ट करे, उसे खुश करे, किसी भी तरह से सुनना चाहिए और पूरे निष्कर्ष के साथ कोई भी कानून आए जिसको सब माने तब जाकर देश की जनता खुश हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद बाजी।